हाँ तो गाइज अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम पर गाइज कुछ इस टाइप से गाइज कलर पैलेट वाली फोटो एडिटिंग वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ठीक है गाइज, तो इसी टाइप का वीडियो बनाना सिखाऊंगा आपको अभी VN ऐप से। ठीक है गाइज, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि हम आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पर, सो VN ऐप में एडिटिंग करने वाला हूँ। फर्स्ट में ही मैंने बताया है, सिंपली आपको VN ऐप को ओपन कर लेना होगा। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा अवेलेबल। ठीक है, वहाँ से आपको डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से फर्स्ट बार ओपन कीजिएगा तो इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस फोटो वाला ऑप्शन पे जाने के बाद दो फोटो को ऐड कर लेना होगा, एक बिफोर वाली फोटो एक आफ्टर वाली फोटो। ठीक है, यानी गाइस एक बिना एडिटिंग वाला और एक एडिटिंग वाला। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको टिकटॉक वाला रेसियो सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद देख सकते हो गाइस मैंने दो फोटो सेलेक्ट किया है, एक एडिटिंग वाला और एक बिना एडिटिंग वाला। तो फोटो एडिटिंग नहीं आता होगा तो मेरे चैनल का वीडियो चेकआउट कीजिएगा, मैंने बताया है कि फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप में। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, पहले फोटो को इस तरह से एडजस्टिंग कर लेना होगा। एंड इतना करने के बाद सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, इसमें साउंड को ऐड करेंगे। ठीक है, तो साउंड को ऐड करने के लिए यहाँ पे भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करेंगे और उस वीडियो का साउंड हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, साउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का लिंक मिलेगा गाइज मेरा वीडियो का। ठीक है, तो इसी टाइप से वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। अब गाइज क्या करेंगे, इस वीडियो से हमें ऑडियो को बाहर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट को स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो इसका साउंड बाहर आ जाएगा। देख सकते हो गाइज साउंड बाहर आ चुका है। अब हमें गाइज इस पार्ट को डिलीट करना है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, अब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज पहले हम क्या करेंगे, पहले गाइज आप बीट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, पहले इसको हम फिर से वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस वाला ऑप्शन पे, और फिर से फोटो एंड वीडियो पे क्लिक करके गाइज यहाँ से हम इस वाले टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, कलर पैलेट वाले टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे और इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, तो फुल स्क्रीन करने के लिए आपको नीचे में आपको स्क्रॉल करना होगा नीचे वाले पार्ट को। तो इस टेम्पलेट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, वहाँ से आपको और सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गाइज आपको नीचे वाले पार्ट को स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फिट एंड फिल का ऑप्शन दिखेगा, तो दोनों में से कोई कोई सिलेक्ट कीजिएगा। एंड फिर से आपको इस तरह से स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे आपको एक क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, क्रोमा पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे गाइज ये इनेबल हो जाएगा क्रोमा, आप गाइज वो ग्रीन कलर वाला हट जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको डन कर देना होगा। ठीक है, कुछ कुछ छेड़छाड़ आपको नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से डन कर देना होगा। अब गाइज क्या करना होगा, अपने वीडियो को प्ले करके देखिएगा कहाँ पे आपका ऑडियो के बीट के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे फोटो में एनिमेशन लगाना है और फोटो में ट्रांजेक्शन लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम फोटो में ट्रांजेक्शन लगा लेते हैं, इसके बाद हम ऑडियो के बीट के हिसाब से ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो गाइज बिफोर लिखा हुआ आ रहा है एंड आफ्टर लिखा हुआ अब आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, इस प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए। सॉरी, इस प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे गाइज आपको ये वाला सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे डिसॉल्व को आपको सिलेक्ट करना होगा फर्स्ट वाला को। एंड इस पर आपको क्लिक करने के बाद इसका ड्यूरेशन को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से कर देना होगा डन। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देते हैं डन। ड्यूरेशन को गाइज आप कम ही रखिएगा, 5 या 6 सेकेंड के आसपास। एंड इतना करने के बाद यहाँ से डन कर देना होगा। अब गाइज यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे गाइज जो बिना एडिटिंग वाला फोटो रहता है वो दो कलर में चेंज होता है, यानी गाइज एकदम सिर्फ व्हाइट कलर में हो जाता है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, अपने बिना एडिटिंग वाले फोटो वाले लेयर में आपको आना होगा और इसमें गाइज कट लगाना होगा। ठीक है, तो हम इसमें कट लगाएंगे। ठीक है, कट लगाने के लिए सिंपली आपको नीचे में एक स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो गाइज स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम स्प्लिट कर देंगे। अब इसको गाइज क्या करना होगा, यहाँ पे गाइज थोड़ा सा एनिमेशन ऐड कर देते हैं, सॉरी गाइज ट्रांजेक्शन, इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करके एक और ट्रांजेक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वही वाला सेम आपको करना होगा, सेम वही वाला ट्रांजेक्शन ऐड कर देना होगा। इतना करने के बाद गाइज आपको फिर से डन कर देना होगा। अब गाइज इस वाले लेयर में आना होगा जो हमने कट लगा के गाइज दो लेयर में ऐड किया था। ठीक है, इस वाले लेयर में आने के बाद गाइज आपको क्या करना होगा, इसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना होगा। सैचुरेशन माइनस करने के लिए आपको फिल्टर ऑप्शन पे जाना होगा एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे गाइज एडजस्ट ऑप्शन पे जाना होगा। एडजस्ट पे जाने के बाद सैचुरेशन को आपको जीरो कर देना होगा। ठीक है, सैचुरेशन को पूरा 100 कर देना होगा। आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो रहा है। तो एनिमेशन वगैरह सब कुछ हमने ट्रांजिशन वगैरह लगा दिया है। अब हमें गाइज ऑडियो के बीट के हिसाब से अपने फोटो को बैठाना होगा। ठीक है, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, ऑडियो को सुनना होगा। ठीक है, ऑडियो को सुनिएगा, उसके बाद अपने फोटो को ऐड बैठाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीट के अकॉर्डिंग अब हम करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बीट पे आपको ही बैठाना होगा इस सभी ट्रांजेक्शन को, तभी अच्छा लगेगा। ठीक है,
तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, ऑडियो को सुनना होगा, इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे पीछे करना होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, पहले हम इसको यहाँ से बढ़ा देते हैं, ठीक है, आगे थोड़ा सा कर देते हैं। तो इस पहले थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अब देख सकते होगा यहाँ पे जो हमारा ये वाला आता है, यहाँ पे देख सकते होगा जो यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पे देख सकते होगा यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन ऐड कर दिया है, थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। तो इसी टाइप से गाइज आपको अपने देख करना होगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे जो ये वाला आता है बिंदु टाइप से, उस पर आपको यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन रखना है। यहाँ पे देख सकते होगा, अभी मैं टिक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड हो चुका है एनिमेशन के अकॉर्डिंग, बीट के अकॉर्डिंग सॉरी। एंड यहाँ पे गाइज देख सकते हो ये वाला जो बिंदु बिंदु दिख रहा है गाइज आपको, इसी पे आपको एक और ट्रांजिशन को ऐड करना है, यानी कि फोटो वाला लेयर को ऐड कर देना होगा। थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं, इसके बाद देख सकते हो गाइस अब हमें गाइस अच्छा लग रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो ट्रांजिशन हमने ऐड किया है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लाइट वाला ट्रांजिशन ऐड करेंगे, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाता है, लाइट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना होगा। ठीक है, अब यहाँ से कर देना होगा डन। सो यहाँ पर गाइस हमारा कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है, अब गाइस यहाँ से हम इसको स्टार्टिंग से लाते हैं और प्ले करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ट्रांजिशन का जो आपने बीट के हिसाब से और जो यहाँ टेम्पलेट मैंने दिया है उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को दो लेयर में ऐड अलग अलग कर देंगे, इसके बाद हम फर्स्ट वाले लेयर पे आएंगे और इसमें गाइज जूम इन वाला ऐड करेंगे एनिमेशन। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जाइएगा, जूम का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना होगा और जूम इन का सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से डन कर देना होगा। अब जो सेकंड लेयर बचा है उस लेयर पे जाना होगा, फिर से जूम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जूम आउट वाला को सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, बस इतना काम करना होगा। अब आपका गाइज वीडियो बन के हो चुका है कम्प्लीट, देख सकते हो गाइज जूम इन जूम आउट यहाँ पे लगा दिया और ट्रांजिशन भी लगा दिया और इफेक्ट भी लगा दिया। अब गाइज यहाँ पे हमारा एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट। सो इसी टाइप से आप कर सकते हो वीडियो को अच्छे से सुन सुन के गाइज ऑडियो को। ठीक है गाइज, तो इसी टाइप से आप कर लीजिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।